स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए एंटोनियो कोस्टा, बी इमैनुएल मैक्रोन, सी पेड्रो सांचेज, डी एंजेला मर्केल। आंसर ए एंटोनियो कोस्टा। एक्सप्लेनेशन, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रसल्स बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सलमान रुश्दी, बी अरुंधति रॉय, सी झुम्पा लाहिरी, डी किरण देसाई। आंसर बी अरुंधति रॉय। एक्सप्लेनेशन, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय ने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। अरुंधति रॉय को उनके अधिक और अटल लेखन के लिए 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी अयोध्या, डी इलाहाबाद। आंसर सी अयोध्या। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पर्यटन विभाग 90 साल के पट्टे पर 1 रुपए की टोकन राशि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। ये संग्रहालय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनय मोहन क्वात्रा, बी रुचिरा कम्बोज, सी एस जयशंकर, डी विक्रम मिश्री। आंसर डी विक्रम मिश्री। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। वह चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मिश्री विदेश सचिव बनने से पहले डिप्टी एनएसए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, इस टीम के कप्तान कौन थे? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या, डी रविंद्र जडेजा। आंसर ए रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया।